Hello friend, welcome to Explore Education, an innovative way of learning. I am Ranjan Sahu और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में लेके आई है जो आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारे टॉपिक है गोलन हाइट्स। और ये गोलन हाइट्स क्या है और हमने उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, तो चलिए और देखते हैं। अभी अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और रिसेंट कुछ दिनों से ये न्यूज़ में आ रहा है, तो हमको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये जो गोलन हाइट्स है, ये एक एरिया है जो अभी जो इसराइल है उसके कब्जे में है, लेकिन ये उसका जो एरिया है ये सीरिया का है। और 1967 में इस एरिया को जो इसराइल ने कब्जा कर लिया था सिक्स डेज वार में। और आपने सिक्स डेज वार में सुना होगा कि कैसे जो इसराइल ने सारे जो इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर अपने फतेह किया था और सिर्फ 6 दिनों में। तो ये था उसका एक इतिहास। और ये जो एरिया जो अब दिख रहा है आपको व्हाइट में, ये है जो गोलन हाइट्स का एरिया। और आपको ये जो गोलन हाइट्स का एरिया और ये जो पार्ट है ये है सीरियन पार्ट। और ये इसके यहाँ जो आपको जो पार्ट दिख रहा है ये है इसराइल का पार्ट। और यहाँ जो बीच में जो कुछ ये है जो दोनों कंट्रीज का जो कंट्रोल। और यहाँ जो इसको जो लाइन ए और इसको लाइन ए और इसको लाइन बी बोला जाता है। और ये जो लाइन ए है ये लाइन ए में जो ये जो इसराइल का आर्मी यहाँ खड़ा रहता है और लाइन बी में सीरिया का आर्मी खड़ा रहता है। तो ये था। और थोड़ा हम उसको जाते हैं और थोड़ा मैप में उसको डिटेल्स में देखते हैं। ये है हमारे प्यारे भारत और आपको दिख रहा है। तो हमारे प्यारे भारत से अगर हम वेस्ट के तरफ जाएंगे तो यहाँ पाकिस्तान है और इसके बाद जो अरबियन सी है, यहाँ जो गल्फ कंट्रीज है और यहाँ आपको मिलेगा अरबियन पेनिनसुला। और ये जो अरबियन पेनिनसुला के जो ऊपर के हिस्से यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट में आपको इसराइल दिखने को मिलेगा। और ये है इसराइल और आप दिख रहा है ये है इसराइल का एरिया। और ये जो इसराइल आप यहाँ जो इसराइल का कौन सी एरिया है और वो कहाँ जो उसका जो गोलन हाइट्स उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। तो ये जो इसराइल है ये इसराइल का जो कब्जे के एरिया है ये है यहाँ। और लेकिन ये सभी जो इसराइल नहीं है, 1947 के पहले इसराइल का नाम का कोई देश ही नहीं था, लेकिन यहाँ एक और कंट्री था उसको बोला जाता था पैलेस्टाइन। लेकिन यहाँ जो ज्यूस एस्टेब्लिशमेंट हुआ यानी कि जो ज्यू रिलीजन का जो लोग है वहाँ वो जो एक वहाँ वो बैठने लगे और वहाँ वो धीरे धीरे जो सारे जो पैलेस्टाइन को कब्जा कर लिया। तो अभी जो पैलेस्टाइन धीरे धीरे श्रिंक हो गया और अभी जो पैलेस्टाइन का जो एरिया बचा है वो सिर्फ जो वेस्ट बैंक और गाजा ट्रिप, ये दोनों एरियाज है। यहाँ बहुत ज़्यादा जो इंसर्जेंट्स का जो हमला होते हैं, बहुत इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच बहुत संघर्ष होता है। जो पैलेस्टाइन बहुत बार इसराइल के ऊपर आक्रमण करता है और इसराइल भी बार बार आक्रमण करता है, लेकिन वो इसराइल वैसे ही खड़ा है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे जर्मन जो डिक्टेटर यानी कि जो एक छत्रवाद शासक था हिटलर, वो बहुत सारे जो ज्यू का हत्या की थी और उसके बाद जो यूरोप में सारे ज्यू का सफाई किया गया था। और वो अपने राह के लिए अपने जो पहले वो जहाँ रहते थे पैलेस्टाइन में आकर बैठ गए और उसको पैलेस्टाइन को कब्जा करने के बाद उसको इसराइल का नाम दे दिया। तो लेकिन वो वहाँ जो जैसे कि पैलेस्टाइन एक इस्लामिक कंट्री था इसीलिए पैलेस्टाइन को सभी इस्लामिक कंट्रीज़ का सपोर्ट हासिल है, लेकिन इसराइल किसी का भी सपोर्ट हासिल नहीं कर पाता। और यहाँ जो उसके साथ वो फॉरेन कंट्री का बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन है, जैसे हमारे भारत का अच्छे रिलेशन है। और उसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा दोस्त है वो है अमेरिका है। और यहाँ जो इसका ऐसे हुआ कि जब वो पैलेस्टाइन के ऊपर कब्जा किया तो 1967 में क्या हुआ कि जो सारे जो इस्लामिक कंट्रीज है जैसे कि आप को देखा देखिए ये जो सऊदी अरब है, येमेन है, ओमन है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, जैसे सारे कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इसराइल के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन ये इसराइल इतना स्ट्रांग था कि वो सारे उस आक्रमण का प्रतिहत करने में सक्षम हुआ और वो सिर्फ 6 दिन में ही जो सारे जो इस्लामिक कंट्रीज को हरा दिया। लेकिन वहाँ सिर्फ उसका जो फतेह वहाँ नहीं रुका, वो फिर क्या हुआ वो जो यहाँ जो है
जो सीरिया का सीरिया है उसका ऊपर जो सीरिया ने उसका ऊपर भी हमला किया था, लेकिन वो सीरिया का वो सीरिया के ऊपर था उसका विजय प्राप्त हुआ, लेकिन उसके साथ वो सीरिया के एक बहुत बड़ा हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और वहाँ वो जो हिस्सा है ये है, आपको दिखा दे कि ये जो हिस्सा है ये है जो सीरिया का वही हिस्सा है जिसको जो इसराइल ने कब्जा किया था, और ये जो हिस्सा का नाम है गोलन हाइट्स, और इस हिस्सों का नाम है गोलन हाइट्स, और इसका ऊपर जो इसराइल ने कब्जा किया था। आपको थोड़ा और डिटेल्स में दिखा देते हैं कि ये जो इसराइल का एरिया है वहाँ, और यहाँ है वेस्ट बैंक, यहाँ है जो गोलन हाइट्स, और यहाँ है गाजा ट्रिप, तो ये सारे मिलकर इसराइल का एरिया कहा जाता है। और आपको यहाँ जो सी दिख रहा है छोटा सा जो वाटर का हिस्सा, ये है डेड सी, और इसको जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये डेड सी है और हमने देखा। और थोड़ा आगे और जो ये न्यूज़ में क्यों है उसके लिए बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और देखते हैं। अभी रिसेंटली किया हुआ है कि जो अमेरिका है उसका जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो जो ये जो गोलन हाइट्स थे, ये आपको डिटेल्स में है गोलन हाइट्स दिख रहा है, और ये जो गोलन हाइट्स का जो हिस्से वाला जो उसको पहले से बोला जाता है कि जो इसराइल ऑक्युपाइड हिस्सा, और ये दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिस जो उसको इसराइल का हिस्सा के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये बोला कि अभी उसको जो इसराइल ऑक्युपाइड नहीं बोला जाएगा, अभी उसको इसराइल कंट्रोल बोला जाएगा, तो इसलिए ये न्यूज़ आ रहा है। और ये जो आपको ये जो इमेज दिख रहा है ये जो है हसन रूहानी जी, और ये जो प्रेसिडेंट है ईरान का, और ईरान का जो पाकिस्तान भारत के वेस्ट के पाकिस्तान के बाद पड़ता है, और वो क्या जो ये वो बोल रहे हैं कि नो बड़ी कुड हैव बिलीव्ड दैट ए मैन वुड केम इन अमेरिका एंड यूनिलैटरली एंड अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन गिव अवे ए लैंड बिलोंगिंग टू वन कंट्री टू एन अग्रेसर। यानी कि एक आदमी ऐसा जो अमेरिका में आया और वो अपने जो एक हिस्सा को जो एक ऐसा जो आक्रमण करके राष्ट्र को दे दिया जिसका जिसका नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि वो कैसे जो सीरिया का एक हिस्सा को जो इसराइल को दे दिया और वो डिक्लेयर कर दिया कि ये जो इसराइल का हिस्सा है, तो ऐसे में ये न्यूज आ रहा है। और थोड़ा ये गोलन हाइट्स व्हिच द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर्ड एज इसराइल टेरिटरी ऑन मंडे हैज बीन ऑक्युपाइड बाय इसराइल सिंस इट्स कैप्चर्ड द एरिया फ्रॉम सीरिया इन 1967। मैंने आपको बताया था कि जो सिक्स डेज वार हुआ था 1967 में, सारे इस्लामिक कंट्रीज जो वहाँ की जो सारे वहाँ जो अरेबियन पेनिनसुला और ईरान जैसे कुछ कंट्री थे वो सारे मिलकर इसराइल के ऊपर एक साथ हमला बोला, लेकिन इसराइल ने सभी को हरा दिया। वो सिर्फ 6 दिन तक वो जो वार चला, और वो सिर्फ जो इस्लामिक कंट्रीज को नहीं है, उसके साथ भी जो सीरिया का जो गोलन हाइट्स था उसका भी कब्जा कर लिया और उसको वापस नहीं किया। और ये जो 1967 में था और ये सीरिया का हिस्सा था, और यहाँ जो उसका जो दिखाया गया है कहाँ कौन कब क्या हुआ था, पहले देखते हैं कि सीरिया फोर्सेस फायर ऑन इसराइल फ्रॉम द गोलन हाइट्स ड्यूरिंग द 1967 वार प्रमोटिंग द इसराइल आर्मी टू एंटर द एंड सीज 1200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। यानी कि जो सीरिया फोर्सेस ने इसराइल आर्मी के ऊपर फायर किया था गोलन हाइट्स से, लेकिन ये जो 1967 में लेकिन इसराइल आर्मी ने वहाँ जो गोलन हाइट्स में एंटर किया, और वो गोलन हाइट्स का जो एरिया था जो 1200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था उसको कब्जे में ले लिया। और यहाँ जो एक और आ रहा है कि ये जो हुआ था 1967 से 73 के टाइम पीरियड के बाद, एंड वहाँ जो मोर देन 150,000 पीपल्स मोस्टली सीरियंस फ्ली दे एरिया, एंड ये बोला जा रहा है कि वहाँ जो 1.5 लाख के करीब जो लोग रह रहे थे वो सीरिया के जो सिटीजन्स थे, एंड 1973 को इसराइल ऑक्युपाइज ए फर्दर 510 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग द 1973 वेस्ट बट रिटर्न्स द टेरिटरी ए ईयर लेटर। एंड उसके बाद जो 1973 में एक और वार हुआ था और उसको वेस्ट एशिया वार बोला जाता है, वहाँ भी इस्लामिक कंट्रीज कुछ शामिल थे, और वहाँ भी जो इसराइल ने क्या किया था वो फिर से 510 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फिर से एक बार कब्जा कर लिया था। जो एरिया था ये भी जो सीरिया का एरिया था, लेकिन वो एक साल बाद यानी कि
1974 को सीरिया को लौटा दिया था, लेकिन उसके बाद 1974 में सेपरेशन ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट क्रिएटर्स ए लाइन ए बिहाइंड हुच इसराइल फोर्सेस शुड रिमेन एंड ए लाइन बी बिहाइंड हुच सीरियन फोर्सेस शुड रिमेन। वो वहाँ क्या हुआ था कि उसका जो सेपरेशन फोर्सेस था उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि जो सेपरेशन फोर्सेस ऑफ इसराइल एंड सेपरेशन फोर्सेस ऑफ जो सीरिया वहाँ एग्रीमेंट हुआ था, और वो जो गोलन हाइट्स जो इसराइल का कब्जा वाला जो एरिया था और वहाँ जो सीरिया का एरिया था वहाँ दोनों के बीच एक जो लाइन अप जैसे भारत और पाकिस्तान के कश्मीर के बीच जैसे होता है लाइन अप कंट्रोल, वैसे दो लाइन खींचा गया और उसको बोला जाता था लाइन ए और लाइन बी। और यहाँ आपको डिटेल्स दिखा देते हैं कि ये है लाइन ए और ये है लाइन बी, और ये दोनों के बीच जो यहाँ उसका कंट्रोल होता है, यहाँ इसराइल का जो आर्मी रहता है और यहाँ जो सीरिया का आर्मी रहता है, और यहाँ का जो इसका जो डिस्टेंस है बोला जाता है ये जो डिस्टेंस है 400 किलोमीटर का है। एंड इसराइल पासेस ए लॉ फॉर्मली एनेक्सिंग द ऑक्युपाइड एरिया, एंड इसराइल एक लॉ भी पास किया है, एंड टेंस जो ये लॉ जो 1981 को पास हुआ, और टेंशंस फ्लेयर विथ द स्टार्ट ऑफ द सीरियन अपराइजिंग। लेकिन वहाँ जो 2011 में क्या हुआ कि वैसे में तो सब ठीक ठाक हो गया था, जो 2011 तक जो सीरिया में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो सीरिया में 2011 में अपराइजिंग हुआ यानी कि जो विद्रोह हुआ उसमें जो सीरियंस ने ये चाहा कि, और 2011 में सीरियन जो पीपल्स ने यह चाहा कि वो गोलन हाइट्स को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद 2014 में जो इस्लामिस्ट थे यानी कि जो इस्लामिस्ट लोग थे वो फिर क्या किया कि वहाँ कोइनेट्रा एक जो सिटी है वही जो दोनों लाइन के बीच यहाँ इस एरिया को उसने कब्जा कर लिया, तो ऐसे में और ज़्यादा टेंशन हुआ। तो ये था, और यहाँ जो थोड़ा उसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं कि 2018 में क्या हुए यानी कि पिछले साल सीरियन फोर्सेस रीटेक कंट्रोल ओवर कुनेट्रा एंड सराउंडिंग एरियाज फॉलोइंग रशिया बैक्ड ऑफेंसिव, यानी रशिया बैक्ड ऑफेंसिव यानी कि रशिया के साथ मिलकर जो सीरिया ने क्या किया कि कुनेट्रा को जो 2018 में यानी कि पिछले साल उसको जो कब्जा कर लिया, यानी कि सीरिया जो वहाँ सीरिया ने वहाँ अपने एरिया को जो ले लिया एक जो सिटी को जो कुनेट्रा है जो एक एरिया है 2018 में हुआ। और इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि जो वो फैक्ट्स क्या है कि वहाँ जो है गोलन हाइट्स में क्या है कि जो गोलन हाइट्स में लगभग 18,000 सीरियंस रहते हैं, एंड वो सभी जो ड्रूज सेक्ट्स के लोग होते हैं, और ड्रूज एक सेक्ट का लोग है जो सीरिया में जो रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ होम रिफ्यूज टू टेक इसराइल सिटीजनशिप, यानी कि इसराइल ने जब जो कब्जा किया जो गोलन हाइट्स को वो जो ड्रूज सेट का जो सीरियंस थे वो इसराइल का सिटीजनशिप लेने से इनकार कर दिया, और अराउंड 20,000 इसराइली शेल्टर्स, और यानी कि वहाँ जो इसराइल ने अपने जो घर बनाए हैं अपने जो शेल्टर्स अपने जो रहने के लिए जगह बनाए है वहाँ ये बोला जा रहा है कि वहाँ जो 20,000 के करीब जो घर है इसराइल का, और उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि जो द फर्टाइल वोल्केनिक प्लेट्यू इज की टू द रीजन्स वाटर सप्लाई, यानी कि ये जो गोलन हाइट्स है ये एक फर्टाइल वोल्केनिक प्लेट्यू है, और वोल्केनिक प्लेट्यू क्या होता है वहाँ जो वोल्केनो का जहाँ उद्गीरण होता है वोल्केनो यानी कि जो ज्वालामुखी होता है ये एक ज्वालामुखी का प्लेट्यू है, लेकिन वो आपको पता होगा कि जहाँ भी ज्वालामुखी होगा वोल्केनो होगा वहाँ वो जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा उर्वर यानी कि जो फर्टाइल होगा वहाँ वो फसल उगाने के लिए वो बहुत अच्छा जो ज़मीन होगा, और इसलिए वो प्लाटू जो है वो भी जो प्लाटू है वो जो वाटर सप्लाई के लिए जो इसराइल को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वहाँ जो इसराइल का वाटर सप्लाई का एक बहुत बड़ा जो सेंटर है ये बोला जा रहा है। एंड द थ्री ट्रिब्यूटरीज द बानियाज डान एंड द हसबानी क्रॉस द हाईलैंड्स, यानी कि जो गोलन हाइट्स है वहाँ थ्री जो रिवर ट्रिब्यूटरीज है और वो नाम है बानियाज डान एंड द हसबानी, ये जो तीन नदियाँ हैं वहाँ बहते हैं, इसलिए ये जो रिवर सिस्टम है वो इसराइल का 40% जो पानी का जरूरत को पूरा करता है, एंड ए 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ सेपरेशन सेपरेट्स द इसराइल एंड सीरियन साइड्स, और ये जो इसराइल और सीरियन साइड्स का ये जो एरिया है ये बोला जा रहा है कि ये जो है ये जो 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ये जो एरिया आपको दिखा देते हैं कि ये जो एरिया है ये है 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये जो सारे जो एरियाज हैं, और
इसके आपने थोड़ा ये देख लीजिए, और आपके ये जो हमारे था आज का ये जो सेशन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस गुड नाइट, एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड मोटिवेट अस टू मेक बेटर वीडियोज़।